मित्रा, हाउ आर यू। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं सभी लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और मैं जानती हूँ कि सभी लोग सोच रहे होंगे कि यार मैम को अब याद आया है, मतलब नए साल के 3 दिन निकल भी गए हैं और मैम अब हमें विश कर रही हैं। तो मैं खुद बहुत हैरान हूँ क्योंकि जिस दिन न्यू ईयर था उस दिन भी मैंने वीडियो अपलोड करी थी और मैं आप लोगों को विश करना भूल गई थी। और मैंने जब कल भी वीडियो अपलोड करी तो माइंड में था कि लास्ट में मैं आपको विश करूंगी, लेकिन मैं तब भी भूल गई। तो आज मैं पहले ही विश कर रही हूँ आपको कि आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह नया साल आपके लिए खुशियां और तरक्की कामयाबी लेकर आए। अब आते हैं टॉपिक पर। जैसे मुझे कितने ही लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये रिक्वेस्ट की है कि मैम प्लीज हमें बताइए कि एनल सेक्स जो है वो सेफ है या नहीं, और इसको करने के फायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं। तो मेरे इस वीडियो में आज मैं इसी चीज के ऊपर बात करने वाली हूँ कि एनल सेक्स करने के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, और ये सेफ होता भी है या नहीं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एनल सेक्स करने के लिए लोग डिमांड क्यों करते हैं अपने पार्टनर से, क्योंकि ऑलरेडी चीजें अवेलेबल हैं। एक फीमेल बॉडी में पेनिट्रेशन के लिए वजाइना अवेलेबल है, फिर भी एक मेल जो है वो क्यों चाहता है एनल सेक्स करना, क्या रीजन है इसके पीछे जो उसके अंदर ये विचार आते हैं। तो देखो, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। नंबर वन, जब कोई फीमेल 2 बच्चे पैदा कर देती है, आई मीन 2 बच्चों की डिलीवरी के बाद उसकी जो वजाइनल जो स्किन होती है वो थोड़ा सा ढीली हो जाती है, थोड़ा सा वहां पे लूज पन आ जाता है, वो कसाव नहीं रहता पहले वाला। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि आदमी जो होता है उसे कसाव की तलाश होती है, एक टाइटनेस की तलाश होती है कि वो चीज उसको दोबारा से मिले और वो उस चीज को एंजॉय कर पाए। और अगर मान लो कि चलो डिलीवरी नहीं भी हुई है, लेकिन 2 लोगों के बीच में फ्रिक्वेंसी सेक्स को लेके कुछ ज्यादा ही होती है, दोनों ही बहुत एंजॉय करते हैं और सेक्स को फ्रिक्वेंटली करते हैं, ऐसे में भी क्या होता है कि जो वजाइनल जो स्किन होती है वो लूज हो जाती है, ढीली हो जाती है। और ये तब ज्यादा होता है जब कोई फीमेल एक्सरसाइज नहीं करती, उसका अपने फिजिकल मेंटेनेंस के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं रहता, बस वो चीजें करते हैं और छोड़ देते हैं। तो ऐसे में जो आदमी होता है उसका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं हटने लग जाता है और वो उस टाइटनेस को बॉडी के किसी और पार्ट में ढूंढने लग जाता है। और उसको जब पता लग जाए कि कुछ लोग हैं जो कि मतलब एनल सेक्स करते हैं, तो उसका रुझान उस तरफ हो जाता है कि मैं भी करके देखूं। एक आदमी में क्यूरियोसिटी भी होती है नई नई चीजों को लेके, कि मान लो कि अगर उसके दोस्त ने बोल दिया कि यार मैं तो करता हूँ एनल सेक्स और मुझे तो बहुत मजा आता है, सामने वाला पहले से ही परेशान है टाइटनेस और ढीलेपन इन सब चीजों को लेके, तो दिमाग में कीड़ा और फितूर चढ़ गया कि यार मैं भी करके देखूं, मैं भी यही ट्राई करके देखूंगा, मुझे भी करना है। अगर वहां पे इतना टाइटनेस होता है और लोगों को मजा आता है तो लोग कर तो रहे हैं, मैं भी करके देखूं। अब कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ही एक्सपेरिमेंटल नेचर के होते हैं, उन्हें सब कुछ कर लेना है, कुछ छोड़ना ही नहीं है, ये भी कर लूं और वो भी कर लूं और कुछ ना छोड़ूं। तो ऐसी प्रवृत्ति के भी लोग होते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ये कैटेगरी में आते हैं, उनके अंदर जो होता है फेमिनिन गुड ज्यादा होते हैं, उन्हें झुकाना नहीं बल्कि झुकना पसंद होता है। तो वो अपने इन फेमिनिन गुण, उनके अंदर जो फेमिनिन चीजें होती हैं, उनके हाथों मजबूर होते हैं। ऐसे में ये जो लोग होते हैं ये एनल सेक्स की तरफ झुक जाते हैं, वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं इसे इन आउट का मजा लेने के लिए, क्योंकि वो फीमेल तो है नहीं लेकिन अंदर उनके फीमेल वाली चीजें हैं, तो वो चाहते हैं कि कैसा लगता है, वो देखना चाहते हैं इन चीजों को। अब वो हस्बैंड जो कि अंदर ही अपना ऑर्गेज्म रिलीज करना चाहते हैं, वो बाहर कर ही नहीं पाते, ज्यादा सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन क्या है कि जब वो अंदर डिस्चार्ज करते हैं तो अनवांटेड प्रेगनेंसी की शिकार हो जाती है वाइफ। अब वो करे तो क्या करे, लेकिन उन्हें करना तो ऑर्गेज्म अपना अंदर ही रिलीज है, तो ऐसे में वो एनल सेक्स का सहारा लेते हैं कि चलो हम बाकी सब चीजें जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो वजाइनाई के साथ करेंगे, लेकिन जब डिस्चार्ज करने की बात आएगी, ऑर्गेज्म रिलीज करने की बात आएगी, तो हम एनल करेंगे, भले 2 मिनट के लिए करें लेकिन एनल में ही डिस्चार्ज करेंगे। जिससे क्या होगा, मुझे भी संतुष्टि हो जाएगी कि मैंने अंदर ही डिस्चार्ज किया और तू प्रेग्नेंट भी नहीं होगी। अभी तक तो मैंने आपको बताया कि लोग एनल सेक्स की तरफ अपना रुझान क्यों करते हैं और एनल सेक्स करने की डिमांड अपने पार्टनर से क्यों करते हैं। अब बात करते हैं जो कि लोगों ने मुझसे पूछा है कि एनल सेक्स सेफ है या नहीं। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज समझने की है कि अगर आप कोई भी चीज प्रिकॉशंस के साथ और एक दूसरे की रजामंदी और सहमति के साथ चीजें करते हैं तो बिल्कुल सेफ है, सब चीजें सेफ हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों चीजों का ध्यान नहीं रखते तो एनल सेक्स क्या वजेना के साथ की हुई चीजें भी सेफ नहीं है। कैसे? अब यहाँ पर आपको कुछ चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है कि एनल मतलब वॉट। एनल का मतलब है कि वो आपकी मल विसर्जन करने की जगह है, बॉडी वेस्ट जो होता है आपका एवरीडे उस जगह से निकलता है, पास आउट होता है। तो ऐसे में अगर आप चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे, प्रिकॉशंस यूज नहीं करेंगे,
तो दिक्कत आ सकती है, फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो जब भी आप एनल सेक्स करने का सोचें तो कॉन्डम का जरूर यूज करें, और अगर सेम टाइम में आप वेजिना में भी पेनिट्रेट करना चाहते हैं तो कॉन्डम को बदलना मत भूलिए, हमेशा कॉन्डम को चेंज करके ही पेनिट्रेट कीजिए वेजिना में। और दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जब भी आप एनल सेक्स करने का सोचें तो लुब्रिकेंट का यूज जरूर करें, क्योंकि कुदरती वहां पर कोई लुब्रिकेंट आता नहीं है, वो सिस्टम वहां पे नहीं है। तो ऐसे में क्या है कि घर्षण करने में दिक्कत आएगी, और जब वो घर्षण करने में दिक्कत आएगी तो कट पड़ सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। तो वहां की चीज को स्मूथ करने के लिए चीजें स्मूथली हो सके और सामने वाले को दिक्कत भी ना हो, लुब्रिकेंट जरूर यूज कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि एक का मजा दूसरे के लिए सजा बन जाए। तो सिर्फ अपने प्लेजर के बारे में ही ना सोचिए, दूसरे के कंफर्ट के बारे में भी सोचिए, चीजें पेनफुल हो सकती हैं, तो इन चीजों का आप खासा ध्यान रखें। तो ऑल एंड ओवर अगर मैं फायदे की बात करूं तो यहाँ पे फायदे के नाम पे मुझे कुछ ही चीजें समझ में आती है। एक तो ये कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है, दूसरा कि अगर जो गे लोग हैं और उनके अंदर अगर फेमिनिन चीजें हैं तो वो अपना एंजॉय कर सकते हैं इस चीज को, देन अगर कोई फैंटेसी है किसी की और वो इन चीजों को करना चाहता है तो उसके लिए तो प्लेजर ही प्लेजर है, क्योंकि वो उसकी फैंटेसी में शुमार है। अब बात करते हैं इससे होने वाले नुकसानों की। तो डियर, जहां पर चीजों की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती और वहां पर आप चीजें अपने मन मुताबिक करते हो या करने की कोशिश करते हो तो देखो थोड़े बहुत नुकसान भी आपको उठाने पड़ते हैं। जैसे वहां पर नेचुरली लुब्रिकेंट अवेलेबल नहीं होता जो फ्लेक्सिबिलिटी बना सके और चीजों को थोड़ा सा स्मूथ कर सके, तो वहां पर फिर घर्षण ज्यादा लगाना पड़ता है। उस घर्षण के ज्यादा होने की वजह से तो बीमारी होने की भी संभावना बढ़ जाती है, लाइक पाइल्स जैसे बाबा सिर कहते हैं, और अगर ब्लीडिंग हो जाए तो और ज्यादा दिक्कत हो जाती है। अब कुछ लोगों के साथ तो ये भी देखा गया है कि जो लोग एनल सेक्स रेगुलरली करते हैं उनको क्या होता है कि सेंसेस आने ही बंद हो जाते हैं। मतलब जैसे मॉर्निंग में हम लोग उठते हैं तो हमारा जो फ्रेश होने का टाइम होता है उस वक्त हमारी बॉडी में एक सिग्नल आता है, एक सेंस एक्टिव होता है कि अब आपका मल त्याग करने का या फ्रेश होने का टाइम हो गया है। तो वो जो सेंसेस होता है ना वो लोगों को आना ही बंद हो जाता है, उन्हें वो सिग्नल ही आना बंद हो जाता है कि उन्हें फ्रेश होना है। नुकसान जानने के बाद भी अगर आपका मन नहीं मानता है और कहता है कि नहीं मुझे तो एनल सेक्स करना ही है, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जैसे उनकी आप ध्यान रखें कि अगर महीने में अगर करना है तो चलो ठीक है, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, फ्रीक्वेंसी ज्यादा ना रखें। और जब भी करें तो प्रिकॉशंस का हमेशा यूज करें, कॉन्डम यूज करना ना भूलें, लुब्रिकेंट यूज करना ना भूलें। एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है, वो है आपस में दो पार्टनर की रजामंदी। क्योंकि देखिए ये जरूरी नहीं कि अगर आपके लिए कोई चीज कंफर्ट जोन में है तो दूसरे के लिए भी होगी, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि अगर एक का इंटरेस्ट है तो दूसरे का भी होगा। जब एक रूटीन सेक्स में जो चीजें हो रही होती हैं उससे अलग हटकर आप कुछ भी नया ट्राई करते हो तो ऐसे में बहुत जरूरी है सामने वाले को अपनी इच्छा जाहिर करना और उससे एक्सेप्टेंस लेना कि वो इस चीज के लिए कंफर्टेबल है। क्योंकि ऐसे में जोर जबरदस्ती करना कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में खटास ही पैदा कर सकता है। अब कितनी ही फीमेल ऐसी हैं जो कि परेशान होती है इस चीज को लेकर कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो एनल करना चाहते हैं और मैं करना नहीं चाहती, एक दो बार मैंने करने की कोशिश करी लेकिन मेरे से हुआ नहीं, बहुत पेन होता है, मैं नहीं करना चाहती। लेकिन कुछ फीमेल ऐसी भी होती हैं जिन्हें पसंद होता है, लेकिन उनकी गिनती कम ही होती है। तो मैक्सिमम जो होता है वो फीमेल जो होती हैं वो पसंद नहीं करती इन चीज़ों को। तो ऐसे में अगर दो लोग चीज़ों को करना ही चाहते हैं तो आपस में पहले सलाह मशवरा जरूर कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि एक का प्लेजर दूसरे के लिए पनिशमेंट बन जाए। अब बात आती है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की। जैसे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आप अपनी राय बताइए, आप बताइए कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सेफ है या नहीं है। या तो डियर अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं तो सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि मैं आपको चाहे कुछ भी राय दूं, आप करेंगे वही जो आपको करना है, जो आप करना चाहते हैं, जिस चीज को लेकर आपका माइंड सेट है। कि लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एनल सेक्स करना उनकी फैंटेसी में शुमार होता है, उनको ये चीजें बार बार दिमाग में और मन में हिलोरे मार रही होती, कचोट रही होती कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, और वो अपनी फैंटेसी के हाथों मजबूर होते हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज चलती ही रहेगी। तो उस फैंटेसी को सिर्फ करके खत्म किया जा सकता है, उसे बिना किए नहीं खत्म किया जा सकता। वो भले उसे एक बार बोलेगा, दो बार बोलेगा, अगली नहीं मानेगी तो वो मन में ही रख लेगा, लेकिन वो अंदर ही अंदर कुचटता रहेगा और अंदर ही अंदर उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें चलती रहेगी। वो बाकी सारी चीजें करेगा, वो सेक्सुअल एक्टिविटी अपनी अपनी वाइफ के साथ करेगा, लेकिन वो परेशान रहेगा मन ही मन में क्योंकि उसे एनल सेक्स करना है। तो ऐसे में मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगी कि मैं क्या है कि अगर हस्बैंड अपनी ये फैंटेसी अपनी डिजायर बता देता है अपनी वाइफ को, और जो वाइफ है अगर वो थोड़ा सा कोऑपरेट कर ले उसके साथ, मतलब फ्रिक्वेंसी ज्यादा ना रखे, महीने में एक या दो बार, तो चीजें बहुत अच्छे से मैनेज हो सकती हैं, वो अगला भी खुश और
आपके लाइफ में भी कोई झंझट नहीं, चीजें स्मूथली होएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे में अगर वाइफ थोड़ा बहुत कोऑपरेट करती है तो देखो ये आपके रिश्ते को कहीं ना कहीं मजबूत ही बनाएगा। अब दूसरा केस क्या होता है, गे, तो उनके साथ देखो क्या होता है, चीजें कुदरती होती है, ये एक्सेप्शनल केस होता है, इसमें कोई सही गलत नहीं होता। वो मजबूर है, वो अपने फेमिनिन चीजों की वजह से जो उसके अंदर हिलोरे मार रही है वो उन चीजों की वजह से मजबूर है, तो वो खुद को जिएगा ही जिएगा, वो इन चीजों को करेगा ही करेगा, खुद को पूरा करने की कोशिश करेगा ही करेगा। तो ऐसे में वो एनल सेक्स करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है उन लोगों की जो कि ना तो गे हैं, ना ही वो अपनी किसी फैंटेसी के हाथों मजबूर हैं, बिल्कुल नॉर्मल प्राणी हैं, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में फितूर चढ़ता है कि नहीं यार भैया मुझे तो करना है, मेरे को तो एनल सेक्स करना है। किसी से सुन लिया, किसी ने ज्यादा फोर्स कर दिया, यार बड़ा अच्छा लगता है, ये होता है वो होता है, जो भी उनके दिमाग में एक फितूर चढ़ गया, एक दिन रात बस यही हो रहा है कि हाँ मुझे एनल करना है, मुझे एनल करना है, मुझे एनल करना है। तो उनके लिए मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो रखना चाहती हूँ वो ये है, यार अगर कुदरत ने एनल को पेनिट्रेट करने के लिए सही जगह चुना होता, उसने अगर इंटरकोर्स करने के लिए एनल बनाया होता तो उसने वहां पे लुब्रिकेंट की भी व्यवस्था की होती, फिर बच्चे भी वहीं से पैदा होते। फीमेल बॉडी में वजाइना नाम की कोई चीज नहीं होती, लुब्रिकेंट भी एनल में ही होता और बच्चे भी एनल से ही पैदा हो रहे होते। तो अगर कुदरत ने इन चीजों के लिए एक अलग जगह बनाई है तो कुछ सोच समझ के बनाई है ना, कोई ना कोई रीजन है ना इसके पीछे। अब अगर कोई ऐसा बंदा है कि जो कि बहुत एक्सपेरिमेंटल है और उसे तो रिकॉर्ड कायम करने हैं, वो लगा हुआ है मुझे तो रिकॉर्ड कायम करना है, तो वो तो कान का पर्दा फाड़ कर भी उसमें घुस जाएगा क्योंकि उसे रिकॉर्ड बनाना है। अब खुद ही सोचिए ना, जब चीजें ऑलरेडी बनाई गई है, रास्ता दिया गया है मंजिल तक पहुंचने के लिए, तो दूसरे रास्ते की खोज क्यों कर रहे हो, वहां पर हाजिरी लगाने की क्या जरूरत है। तो वजह ढूंढो कि आपके दिमाग में अगर एक कीड़ा चल रहा है तो क्यों चल रहा है, क्या आप किसी फैंटेसी के आगे मजबूर हो रहे हो, या आप गे हो, आप कोई रिकॉर्ड कायम करना चाहते हो, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल हो। तो अगर ये तीन वजह है आपके साथ तब तो सब चीजें ओके है, लेकिन अगर ये तीन चीजें आपके साथ नहीं है तो फिर क्यों थक रहे हो, खुद भी थक रहे हो और अपने पार्टनर को भी थका रहे हो, ये तो फिर फितूर ही हुआ ना, ये तो बेमतलब का फितूर हुआ, खुद भी परेशान रहो और दूसरे को भी परेशान रहो, क्यों, क्योंकि उसने छक्का लगा दिया, मेरे दोस्त ने कहा था, उसने किया था, उसने छक्का लगा दिया, मुझे भी लगाना है, ऐसा है क्या। आई थिंक मैंने अपनी तरफ से एनल सेक्स से रिगार्डिंग आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे दी, उसके फायदे और नुकसान भी बता दिए और इसकी करने के पीछे रीजन क्या होते हैं ये भी बता दिए। अब शायद आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि ये करना ठीक है या नहीं, आप अपने बेसिस पे चेक कीजिए, अपने हिसाब से समझिए और चीजों को कीजिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।